सत श्री अकाल फ्रेंड्स, आज बनाएंगे कुछ ऐसा जिससे कि हमारा फेस जो है एकदम से ग्लो करने लग जाए। होता क्या है, कई बार हमारा फेस डल डल सा हो रहा होता है। जैसे अभी समर टाइम है, ऐसे में हम कहीं बाहर गए धूप में तो थोड़ा थोड़ा सनबर्न भी हो रहा होता है, दाग धब्बे से लग रहे होते हैं। दिक्कत तो तब आती है जब ऐसे में हमें कहीं जाना है और हमारे पास टाइम ही नहीं है पार्लर जाके आने का। तो इसके लिए ना आज मैं आपको एक ऐसा पैक बता रही हूँ जो आपको इंस्टेंट ग्लो देगा, फटाफट से आप इसे बना के लगा सकते हो। आज इस पैक में मैं यूज़ कर रही हूँ मेनली जो है वो है आलू। आलू में स्टार्च होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। आलू से आपकी स्किन हो जाएगी ब्राइट और साथ में कलर हो जाएगा लाइट, यानी गोरे हो जाओगे और आपकी स्किन होगी टाइट। ये तीनों काम एक आलू से हो जाते हैं। तो आलू का ये जो मैं पैक बना रही हूँ ना, ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन में काले काले से दाग हो रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रही है, झाइयाँ हो रही हैं, या फिर रिंकल आ गए हैं, या फिर आपकी स्किन पैची पैची सी हुई पड़ी है, फेड फेड सा कलर होता है, कहीं पर लाइट कहीं पर डार्क ऐसा हो गया है, या आपकी स्किन बहुत ऑयली है या बहुत ड्राई है, पिंपल्स हैं, कैसी भी स्किन हो, हर टाइप में आप इसका यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले लेना है एक आलू। आलू देखे सभी के घरों में होता है, तो मीडियम साइज़ का एक आलू ले लेना और इसको छील लेना। छील के धो के इसका अपना आगे का थोड़ा सा पार्ट में काट के ना पानी में डाल के अभी रख दे रही हूँ, इसका भी अभी हम यूज़ करेंगे। अब ये जो है हमारे पास बचा हुआ आलू, इसको हम ग्रेटर की सबसे छोटी वाली साइड से ग्रेट करेंगे। आलू में होता है स्टार्च, स्टार्च जो है स्किन को टाइट करता है और साथ में इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे कलर को लाइट करते हैं, यानी कलर फेयर होने लगता है। स्किन पे जो दाग धब्बे पड़ गए होते हैं ना कई बार सनबर्न वगैरह के, वो भी इससे हटने लगते हैं अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो। अब ये ग्रेट हो गया है तो इसको ना हमने निचोड़ना है, स्ट्रेन करना है, तो चाहे हाथ से कर लेना या फिर स्ट्रेनर ले लेना एक साफ सी, और इस पे रख कर आप इस तरह से इसे स्ट्रेन कर लेना। तो ये जो आलू का पानी नीचे आया है ना, तो इसमें देखिए आप नीचे स्टार्च आपको मैं दिखा रही है, देखिए ये है स्टार्च, बहुत ही काम का होता है ये। तो अब ये काला ना पड़ जाए आलू, इसलिए इसमें डाल लेंगे अब एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है या इसमें दाग धब्बे ज़्यादा हैं या आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो ये बहुत ही अच्छी है मुल्तानी मिट्टी आपके लिए। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक चम्मच बेसन। बेसन भी कलर को हमारे साफ करता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लगता है कि मुल्तानी मिट्टी आपको सूट नहीं करती है, तो आप क्या कर सकते हो, बेसन को एक की जगह दो चम्मच डाल लेना, मुल्तानी मिट्टी को स्किप कर देना। अब इसमें मिलानी है हल्दी। तो अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है या कच्ची हल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, वो मिला लेना। मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसमें मिलाया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जो हम सब्जी वगैरह बनाने में यूज़ करते ना वो। और अब इसमें मैं मिला रही हूँ ग्लिसरीन एक चम्मच। ग्लिसरीन बहुत ही अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए, इससे ना हमारी स्किन का जो कलर है ना बहुत ही जल्दी लाइट होता है, यानी कि कलर फेयर होने लग जाता है। साथ में एक कैप्सूल विटामिन ई का डाल दिया है। अब इसको घोलने के लिए गुलाब जल डालेंगे जितना ज़रूरत होगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप धूप से आए हैं घर पर, चेहरा रेड रेड हो गया है या बहुत गर्मी से आए हैं, तो आप क्या करेंगे, फेस वॉश कर लेते हैं ना, उसके बाद आप थोड़ी सी लेना ग्लिसरीन आधी चम्मच से भी कम, और साथ में गुलाब जल मिक्स करके आप चेहरे पर लगा लेना। इतना करेंगे ना आपको बहुत ठंडक मिलेगी, और अगर आप ये ना रोज़ लगाएंगे ना तो आपका जो कलर है ना वो फेयर होने लग जाएगा। बहुत ही अजमाया हुआ नुस्खा है ये। अब इसको लगाना कैसे है, तो सबसे पहले आप फेस को वॉश करके फिर सुखा लेना। अब इसको आप ब्रश की हेल्प से पैक को लगाना या हाथ से भी लगा सकते हो। पूरे फेस पे लगा लेना, नेक पे लगाना, नेक की बैक साइड पे भी लगा सकते हो। अब आपने लेना है आलू। जो आलू हमने रखा था ना अलग, उसकी मैंने स्लाइस कर ली हैं।
इसके ऊपर ना हल्का सा गुलाब जल डालकर ना मैं इसको आँख पर लगा रही हूँ। इस तरह से आँखों पर रखना है, तो मैं अभी आपको ऐसे लगा के दिखा रही हूँ, पर आप इसको लगाना और आराम से लेट जाना, रेस्ट करना 10-15 मिनट के लिए। और जब ये हल्का हल्का सूख जाए तो आप इसको साफ़ कर देना किसी गीले कपड़े से, या कोई गीला पेपर ले लेना, टिश्यू पेपर, उससे कर लेना। उसके बाद आप इसको वॉश करना, तो देखिए आप बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है। फिर आपने इस पर लगा लेना है टोनर और मॉइस्चराइज़र, आपका चेहरा तैयार हो जाएगा, एकदम ग्लो करने लग जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे अप्लाई करना और आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।